को कितना प्यारा फूल लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी ना मैं छत में आई थी, यहाँ पर फूल ही फूल हो रहे हैं हर जगह पर। घर पर भी बहुत सारे फूल नाना लेके आते हैं। कैसे लगाए? लगेगा ही नहीं मुझसे, लग गया। अच्छा, और अभी मैं जा रही हूँ, सबसे पहले अपनी चोटी कर लेती हूँ। और आज के ब्लॉग में ना मैं कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ, मतलब कि आज ब्लॉगिंग के अलावा कुछ अच्छा क्रिएटिव करके दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अभी लाइट नहीं आ रही है, लाइट आ जाएगी जब तक मैं अपना सामान सेटअप कर लूँगी। नानी पूजा हो गई, तो नानी की भी पूजा हो गई, नानी ने लेट ना। वैसे तो टाइटल और थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा आप लोगों को। तो मैं अभी जा रही हूँ वही चीज़ बनाने की शुरुआत करने, अभी देर में आराम से करूँगी। और रक्षाबंधन के लिए बना रही हूँ स्पेशल। तो चलिए, लाइट भी आ गई है, तो जा रही हूँ अब ट्राई करती हूँ बनाने कैसी बनती हैं। वैसे कोशिश तो पूरी करूँगी। वैसे ना ये चीज़ें मैं पहली बार नहीं बना रही, जब मैं छोटी थी ना तो मेरा बहुत मन लगता था इन चीज़ों में, मैं बनाती रहती थी, भले सा को यूज हो या ना हो, लेकिन मैं बनाती थी। लेकिन अब सिस्टम लगाया था कि यहीं बैठ के आराम से बनाऊंगी, लेकिन यहाँ की लाइट बार बार अपने अब कम ज़्यादा हो रही थी बाहर की रोशनी की वजह से। तो फिर मैंने ये सेटअप सारा उठाया और कमरे में गई, तब वहाँ जाके क्लियर लाइट में देखा, देखिए यहाँ पर लाइट कैसे हो रही थी। तो बस यहाँ पर सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है और पहली राखी ये रही सिंपल सी, बनाना मैंने शुरू कर दी। सामान लिया है ना, वो मैंने सारा घर से ही लिया, कुछ ज़्यादा मार्केट से नहीं लाई। मार्केट से सिर्फ मोतियों का माला लेके आई थी दो, जो कि घर में भी थी लेकिन पता नहीं है कहाँ रखी होंगी मेरी। तो यहाँ पर मैंने ये शादी का कार्ड लिया हुआ है, दो ये धागे वाली जिट्टी का, एक कलावा, ये रेड और येलो कलर का धागा है मोटा वाला, और ये मोतियाँ हैं। और बाकी जो छोटे छोटे नंग छोटे छोटे से मोती रखे हैं ना, ये सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के हैं, क्योंकि जो ड्रेस ख़राब हो जाती है ना तो उनसे ये सारे निकलने लगते हैं, नई ड्रेस से भी निकलने लगते हैं, तो मैं उनको उठा उठा के रखती रहती हूँ। तो आज उन्हीं सारी चीज़ों से मिल के बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिंक कलर का धागा लिया है और कागज़ में इसको ऐसे लपेटा है बराबर करके, जब मोटा सा हो गया है तो मैंने इसको हटाया वहाँ से और बीच में गांठ लगाई, और इसको अब मैं फ्लावर की तरीके कट कर लूँगी ऐसा पूरा। करके और ब्रश से कर दिए, ब्रश से क्या है कि सारे धागे एक से हो जाते हैं, हाथ से उतने अच्छे से नहीं बनता है। और बस पूरी कटिंग कर ली है कि एक गोल फ्लावर बन जाए, वो वैसे धागे निकलते रहते हैं ना कट करने के बाद। इसके अंदर ये छोटा सा एक फ्लावर रखा हुआ था, ये भी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये देखिए पिंक और वाइट कितना अच्छा लग रहा है। और बस इसके अब ये साइड में मैं मोतियाँ डाल दूँगी। और वैसे मैंने ये सिंगल सिंगल धागे करके डबल लर वाली कर दी है, वैसे सिंगल भी कर दी थी तो अच्छी लगती, लेकिन थोड़ा सा मैंने की बड़ी है तो बड़ी राखी की लर दिखनी चाहिए ना, तो डबल कर दी। कंप्लीट हो गई हैं, ये
केसरी वाली राखी जो मैं कलावे से बना रही हूँ, जो भुजिया मैं कलावा आता है ना उससे मैं बना रही हूँ। और ये राखी काफ़ी ट्रेंड में भी चल रही है, सब लोग यूट्यूब पर बना रहे थे ऐसी, वो बीच में चावल लगा के कलावा से। तो मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर के साइज़ का ये कार्ड लिया हुआ था जिसमें मैंने इसको लंबी शेप में किया है, उसको पूरा हो गया, काफ़ी घना हुआ रखा है। और इसके बाद मैंने यहाँ बीच में गांठ लगा के इसको एक काट के और फ्लावर की तरीके फैला लिया है। और ब्रश से ऐसे कर दूंगी ना तो जो चिपक जाते हैं ना धागे वो सारे एक से हो जाएंगे, और बस इसको कटिंग कर लूँगी जिससे इसका एक एकदम गोल क्लियर शेप आ जाएगा। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है धागा, धागा नहीं है ये कलावा ही है, जो सिंगल काफ़ी पतला लग रहा था तो मैंने डबल कर लिया है। बस इसको नापा है सेंटर में, इसमें मैं थोड़ा सा पेपर में ग्लू लगा के इसको सेट करूँगी, क्योंकि ऐसे धागे में कर देती ना तो धागे से थोड़ा सा यहाँ वहाँ लूज बना जाता है राखी में, थोड़ा सा पेपर में ग्लू लगाया और उसके बाद ही इसको मैं सेट कर दूँगी। मैंने वो कार्ड का जो गोल गोल काटा हुआ था उसमें मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा नंग रखा हुआ है, जो कि मेरे पास गोल शेप का नहीं था, ये ऐसा है डायमंड शेप का है, तो मैंने इसको लगा दिया है। और इसके साइड से जो जितना भी खाली कार्ड दिख रहा है ना आपको, इसमें मैंने चावल लगाए हुए हैं। और बस इसको मैं राखी के बीच सेंटर में डिजाइन कर दूँगी, अच्छा लगेगा, मतलब कि ये इस तरह से सेट हो गया एक नंग की तरह। तो ये देखिए ये पूरा हो गया, और इसमें अभी भी कहीं कहीं धागे दिख रहे थे तो मैंने उसको सेट किया और सेट करके सूखने के लिए रख दिया, क्योंकि ग्लू को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सेट होने में। और उसके बाद जब तक वो सेट हो रहा था तो मैंने यहाँ पर दूसरी राखी कंप्लीट कर ली है, उसमें अभी साइड से मोतियाँ लगाना रह गया था तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ, इसको दोनों साइड से गांठ लगा दी है। गांठ लगाने के बाद मोतियाँ डालूँ, और पहले मैंने सोचा था कि मैं सिंगल मोतियाँ ही डालूंगी पूरे धागे में, बस एक ही एक मोती रखूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मोतियों के जो होल थे वो थोड़े से छोटे थे, इतने मोटे कलेवे में जा नहीं रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि अलग अलग कर दिया, दो पार्ट में कर दिया, तो ये डबल लेयर तैयार कर दी मोतियों की सिंगल सिंगल। तो ये भी अच्छी लग रही थी क्योंकि राखी थोड़ा सा बड़ी है तो ये लेयर थोड़ा मोटी रहेंगी ना तो और अच्छी लगी। तो बस तो तीन तीन मोतियाँ मैंने दोनों में डाली हैं, और यहाँ पर मैं गांठ लगा दूंगी मोतियों के एंड में जिससे मोती यहाँ वहाँ खिसके नहीं। और बस इसके बाद ना थोड़ा सा वाइट और डाल दूंगी, क्योंकि येलो येलो डाल दिए ना तो थोड़ा मैच कर रहा था, थोड़ा सा वाइट और एक एक मोती इसमें कर दूंगी। तो ये देखिए ये मेरी एक साइड की पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये मैंने दूसरी साइड भी मोतियाँ सारी डाल दी, कंप्लीट हो गई ये देखो। अब मैं बनाने जा रही हूँ ना सबसे सिंपल सबसे इजी राखी, इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सुई और धागा और कुछ मोतियाँ, बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही सुंदर और एकदम पैसलेट की तरह लगती है ये राखी। तो मैंने क्या किया है कि पहले मोटे वाले धागों को डबल कर लिया और बीच के सेंटर में गांठ लगा दिए, गांठ लगाने के बाद दो धागों को अलग अलग कर दिया है, एक में मैंने मोतियाँ ली हैं एक में सुई ली है, और जिसमें सुई है वो खाली है तो मैं क्या करती हूँ जिसमें मोती हैं तो वहाँ से मोतियाँ सुई में लेके दूसरे धागे से ऐसे घुमा के उसे ट्रांसफ़र करके इस वाले धागे में और ऐसे खींच देते। तो इस तरह से ये देखिए बीच में आके दोनों धागों से एक फ्लावर टाइप का बनता जा रहा है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है और बहुत सिंपल है। ये वाली राखी बनाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, एक मोती ली है फिर दो मोती फिर तीन फिर चार और चार के बाद फिर से तीन फिर से दो एक, तो इस तरह से ये ऊपर से नीचे तक पूरा एक ब्रेसलेट टाइप का बन गया। बस इसमें मैं गोल्डन कलर की मोती साइड से और डाल दूंगी, तीन तीन मोतियाँ रखूंगी तो सही लगेगा, मोती डाल के गांठ भी लगाती जा रही हूँ ताकि मोती वहीं की वहीं सेट रहें। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये वाली कितनी सिंपल और कितनी सुंदर राखी बन के तैयार हुई है, ये बिल्कुल मार्केट की लग रही है। और मुझे यहाँ पर कई लोग कह रहे होंगे कि राखी तो मार्केट से भी आ जाती हैं, इतनी सस्ती होती हैं, कोई बात नहीं, घर में क्या इतना परेशान होना था घर में बनाने की क्या ज़रूरत है, मार्केट से लिया बहुत सुंदर सुंदर मिलती हैं। मुझे पता है मार्केट से आती हैं, घर में ऐसा नहीं है कि ये वाली राखी आ गई तो यही बस रहेंगी, मार्केट से नहीं आएंगी, मार्केट से भी आएंगी, लेकिन ये क्या है कि मुझे ऐसी चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, छोटे से पसंद रही।
और हमारे घर में ना अपने भाई को राखी बांधने से पहले ना भगवान जी को राखी बांधते हैं, तो इसमें से मैंने जो राखियाँ बनाई है ना इसी में से मैं लड्डू गोपाल जी को भी बांधूंगी राखियाँ, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने यहाँ पर ये काट के ऊपर ना ग्लू लगाया, ग्लू के बाद बीच में एक कांच सेट किया है गोल का, और उसके बाद ये छोटी छोटी मोतियाँ थी जो मैंने पूरे में सेट कर दी इस तरह से, एक गोल बड़ा सा फ्लावर मोतियों का ही बना लूँगी, और जो मैंने ब्लू कलर का धागे वाला फ्लावर बनाया उसमें ये बीच में सेट करूँगी। और यहाँ पर मैंने धागे की 3 लड़ी ली है डबल करके, इनको मैं ना चोटी शेप में कर रही हूँ, जो चोटी की डिजाइन होती है ना उसी तरह मैं इसको घूर रही हूँ ताकि ये धागे में थोड़ा डिजाइन आ जाए और अच्छा लगे, मोटा हो जाए। और सारी राखी कंप्लीट होने से पहले पहले जब तक वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे लाइक से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी राखियाँ कितने लोगों को पसंद आई हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और मैंने इतनी मेहनत की, इतने प्यार से राखी बनाई है, यहाँ पर जितने भाई हैं उनके लिए भी ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, तो लाइक तो भर भर के बनता है। और मैंने यहाँ पर फेविकोल की मदद से मैंने यहाँ बीच में उसको सेंटर में सेट कर दिया है, हल्का सा पेपर लगा के नीचे, और ये देखिए पूरी क्लियर राखी कितनी सुंदर लग रही है ना, ये मेरी तैयार हो गई राखी कंप्लीट। उसके बाद मैंने ये येलो कलर की एक और ब्रेसलेट वाली राखी बनाई है, तो ये देखिए मेरी सारी राखियाँ बन चुकी हैं, कंप्लीट हो गई। अब मैं ये सारा अपना सेटअप जो है रख के आ रही हूँ, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी तैयार हो गई मेरी राखियाँ जो मैंने बनाई थी, मैंने इनमें से कुछ आपको दिखाई नहीं थी, ऑफ कैमरे ही बना ली थी जल्दी जल्दी, जो सिंपल सिंपल हैं। बाकी ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, ऊपर लेके आई हूँ इनको फ़ोटो शूट करने के लिए। तो आप लोग भी बताइए आपको इनमें से कौन सी राखी सबसे ज़्यादा पसंद आई है, और राखी पसंद आई है इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक तो करना है। और बस जैसे ही राखी का काम ख़त्म हुआ वैसे मैं आ गई हूँ चाय बनाने, क्योंकि इतनी देर कॉन्सेंट्रेशन से काम किया तो थोड़ा सा चाय की भी ज़रूरत थी, तो बस यहाँ पर मैंने चाय बनाई है शाम की। और ये भी ये ब्रेड ना नाना जी सुबह लेके आए थे तो रखी थी, तो मैंने किया चलो अभी गर्म कर लेते हैं। और मेरी राखियाँ किसको किसको पसंद आई हैं वो लोग वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे, और प्लीज़ इतनी लाइक कीजिए ना कि मुझे पता चले कि हाँ मैंने मेहनत की थी और लोगों को पसंद आई है, मैं लाइक देख के ही समझ जाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं ये वाला वीडियो एंड, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।